भारत में इंटॉलरेंस एक बार फिर जेर बहस है। अभी 3 दिन पूर्व महिला पत्रकार गौरी लंकेश की निर्मम हत्या ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि देश किस तरफ जा रहा है। ताजा घटना ने देश के संजीदा तबके को सोचने पर विवश कर दिया है। विश्व के प्रमुख संगीतकार A.R. रहमान ने भारत में बढ़ते घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरे देश में इस तरह की घटना नहीं हो सकती, ये मेरा देश नहीं हो सकता। I'm so sad about that. I hope these kind of things don't happen in India. This is not my India. I want India to be progressive and kind. ये सुनना था कि सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले पीड़ित फौज ने A.R. रहमान का पूरा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये देखकर अचानक मन में सवाल उठता है कि क्या इसी भारत की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? क्या सरकार की आलोचना करना देशद्रोह है? पत्रकारों को निशाना बनाने वाले क्या समझते हैं कि वो इस तरह के सवाल पूछने वालों की आवाज़ों को दबा देंगे? ज़रा कल्पना कीजिए कि जिस दिन सरकार का कामकाज का हिसाब करने वाले नहीं रहेंगे तो क्या भारत उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।